हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पोस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोस्टर किस लिए बनाया जाता है। पोस्टर जो है वो अनाउंसमेंट के लिए बनाया जाता है। अगर आप किसी से अपील करना चाहते हैं तो उसके लिए बनाया जाता है। किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए पोस्टर बनाया जाता है। सर्विसेज के लिए भी पोस्टर बनाया जाता है। कोई प्रोग्राम है, आप लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोस्टर बनाया जाता है। उसी के साथ साथ हम पोस्टर का इस्तेमाल पब्लिक को अवेयर करने के लिए भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम पोस्टर बनाते हैं। सो स्टूडेंट, पोस्टर बनाते समय आपने कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़, पोस्टर शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। आप जो पोस्टर बना रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें आप इमेजेस डाल सकते हैं। सपोज़ आपने पोस्टर बनाना है सेव वाटर पे, तो आप इस तरीके से एक बूंद बना सकते हैं या आप एक टैप भी बना सकते हैं। तो आपका जो पोस्टर है उससे काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। इमेज ऐड करने से जो रीडर है उसका अटेंशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ ईजिली रीडेबल। आपका पोस्टर में जो लेटर्स हैं, जो फॉन्ट है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, दूर से भी दिख जाए ऐसा पोस्टर होना चाहिए आपका। तो ईजिली रीडेबल होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, आई कैचिंग। आपका जो पोस्टर है वो आई कैचिंग होना चाहिए। उसका टाइटल, उसकी स्लोगन को पढ़ के ही आपको पता चल जाए अच्छा ये पोस्टर इसके बारे में। एनी स्टाइल साइज फॉन्ट शुड बी यूज। आप किसी भी साइज का फॉन्ट यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज बिग और स्मॉल। सो स्टूडेंट, पोस्टर का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है आपने टॉपिक, देन हाइलाइटेड पॉइंट्स। हाइलाइटेड पॉइंट्स में आपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर आपके पास कुछ और भी वर्ड्स हैं तो आप लिख सकते हैं। जो इस पोस्टर को इशू कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है एंड में। ये सारी चीज़ें एक बॉक्स में होंगी और साइड में आप इमेज बना सकते हैं, स्लोगन्स लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ। सो स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड कराया है जिसमें आपने स्कूल लाइब्रेरी की बुक्स को प्रमोट करते हुए एक पोस्टर बनाना है और लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना है। सो मैंने किस तरीके से लिखा है, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। बुक हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। देन मैंने यहाँ लिखा बुक और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बुक से रिलेटेड वो मैंने यहाँ लिखे हैं। बुक हमें इन्फॉर्म करती है, बुक हमें गाइड करती है, बुक हमें नॉलेज देती है और बुक हमें इनरिच करती है। सेंटर में मैंने एक बुक की फोटो बना दी है। उसी के साथ साथ इस डिज़ाइन का यूज़ करते हुए मैंने लिखा है रीड इट। सो स्टूडेंट, ये डिज़ाइन जो होते हैं ना, ये आपने अपने पोस्टर में यूज़ करने हैं अगर आप स्लोगन लिख रहे हैं या आप कोई पॉइंट को हाईलाइट कराना चाहते हैं। इससे जो अटेंशन है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ आप क्लाउड्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आपकी चॉइस है आप किसका यूज़ करना चाहते हैं। आगे यहाँ लिखा है मैंने मेकिंग रीड अ रेगुलर हैबिट। मैं इंकरेज कर रही हूँ लोगों को कि रीडिंग जो है अपनी रेगुलर हैबिट बनाओ। उसी के साथ साथ योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 50,000 बुक्स। यहाँ पर हमने स्कूल लाइब्रेरी में बता दिया है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ बुक्स हैं, आप डेली ले जाके उसको पढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ आपने एक स्लोगन तो सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक बुक को उसके कवर के थ्रू जज मत करो। सो ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड में मैंने लिखा है इशूड बाय स्कूल अथॉरिटी। और ये पूरा जो पोस्टर है उसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। इसी के साथ साथ हम टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ स्लोगन देख लेते हैं। एंड मैं इशूइंग अथॉरिटी भी बता देती हूँ कैसे। सो स्टूडेंट, मैंने टॉपिक, स्लोगन एंड इशूइंग अथॉरिटी लिख दी है, आप देख सकते हैं। रोड सेफ्टी के लिए आप स्लोगन यूज़ कर सकते हैं, लाइफ इज प्रीशियस, टेक केयर, ड्राइव केयरफुली। उसी के साथ साथ इसकी इशूइंग अथॉरिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ब्लड डोनेशन, द बॉन्ड ऑफ लव, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको इशू करती है। सेव वाटर, वाटर इज लाइफ इज योर स्लोगन एंड दिल्ली जल बोर्ड इसको इशू करती है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज़।